हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और मेडिसिन का रिव्यू मैं आपके सामने लेके आता रहूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नई टैबलेट के बारे में, एक नई मेडिसिन के रिव्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो नई मेडिसिन है उसका नाम है सिपकाल। तो सिपकाल टैबलेट को जो मैन्युफैक्चर करती है वो सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है या क्या इसकी डिटेल है, तो इसकी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आती हैं एंड 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप की जो कीमत होती है वो 86.50 रुपये इसकी कीमत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या होते हैं जो काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक तो कैल्शियम होता है जो होता है 500 मिलीग्राम में एंड दूसरा इसमें होता है विटामिन D3 जो होता है 250 IU में। तो इसमें दो ड्रग होती हैं, पहला होता है कैल्शियम, उसके अलावा जो दूसरा ड्रग होता है वो होता है विटामिन D3। तो ये दोनों ड्रग आपस में मिलकर काम करती है। अब बेसिकली इसका काम क्या है, ये किस चीज़ में यूज़ होती है? तो जो सिपकाल 500 mg जो टैबलेट है, सिपकाल 500 mg टैबलेट बेसिकली आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए यूज़ होती है एंड ये विटामिन D3 के कॉम्बिनेशन में है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ में यूज़ होती है या इसका क्या क्या उपयोग है। तो जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होते समय जब उसका 12वां हफ्ता ख़त्म हो जाता है, 12वें हफ्ते के बाद जो बच्चे का विकास होता है एंड जो हड्डियाँ बनने लगती हैं बच्चे की, तो इन दोनों केसेस में हड्डियों के विकास में ये बहुत अच्छा काम करती है, यानी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है एंड ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि जो उनके नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम में काफ़ी वीक हो जाती हैं या फिर जो उनकी मसल्स हैं उनकी मसल्स में पेन भी रहने लगता है और मसल्स भी वीक होने लगती हैं, तो उस केस में भी इसको यूज़ होता है। उसके अलावा आपकी हड्डियों को मजबूत करने में सिपकाल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों का जो कैल्शियम का इंटेक है बॉडी में वो मान लीजिए कम रहता है, या काफ़ी लोग कैल्शियम खाने में प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, तो उस केस में भी सिपकाल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली फ़ीमेल्स होती हैं, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग वाली फ़ीमेल को मिल्क में विटामिन D3 और जो कैल्शियम होता है वो प्रॉपर तरीके से उसका इंटेक बच्चे के लिए प्रॉपर बना रहे, तो इस चक्कर में जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली फ़ीमेल होती हैं वो भी इसको ले सकती हैं। इसके अलावा जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी से उनके घुटने में दर्द होने लगता है या फिर उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं एंड उनमें विटामिन की भी कमी होने लगती है, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके यूज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो बेसिकली इसका एसिड कोई साइड इफ़ेक्ट विजिबल नहीं होता, लेकिन काफ़ी बारी ये मेडिसिन लेने के बाद आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर आपको घबराहट हो सकती है या फिर आपको उल्टी भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने मेडिसिन ली है और आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कुछ टाइम तक का वेट कर सकते हैं। कुछ टाइम तक का वेट कीजिए, वेट करने के बाद ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होते हैं, तो उस केस में आप जो डॉक्टर है आप उससे भी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो कैल्शियम होता है एंड जो विटामिन D3 होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो होता ये है कि आपके शरीर में, मतलब किसी भी मेल या फीमेल के शरीर में कैल्शियम ऑटोमेटिकली नहीं बनता। अब कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या तो आप बाहर से इंटेक ले लीजिए, अगर आप बाहर से इंटेक नहीं ले सकते तो उस केस में आपको मेडिसिन लेना पड़ेगी। एंड कैल्शियम की कमी से ही बच्चों में रिकेट्स नाम की जो बीमारी होती है वो बीमारी पैदा हो जाती है एंड उसके बाद उनकी लाइफ में धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड उसके अलावा जब कैल्शियम की कमी होती है तो नाखून भी बहुत आसानी से टूटने लगते हैं या रूखे हो जाते हैं, या फिर आपकी जो स्किन की मांसपेशियां हैं, स्किन की मांसपेशियों में भी दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट आप इस टैबलेट को खा के पूरा कर सकते हैं। सेकेंड वन हो गया विटामिन D3। तो विटामिन D3 एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो वसा में घुल जाता है, फैट में घुल जाता है एंड इसका बेसिकली जो खाने में यूज़ होता है, तो लोग खाने में इसके इंटेक को पूरा नहीं कर पाते, तो उस केस में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसके अलावा ऑस्टियोमलेशियस हो जाता है और उसके अलावा रिकेट्स हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं ये भी इसकी कमी से हो जाती हैं, तो इसलिए आपको इसका इंटेक लेना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हम बात करते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी आपको लेना है या कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी के लिए आप एक बार डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से बता सकता है कि क्या क्या या कॉम्बिनेशन में आप इसको ले सकते हैं, आप कितना आपको लेना है। अब आपको ये टेबलेट जितनी भी डॉक्टर आपको बताए वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। तो ये इस टेबलेट के बारे में डिस्क्रिप्शन था प्रॉपर तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।